सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सल प्रभावित मतकम डी में F-133 बटालियन CRPF ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों के बीच जरूरत के सामान बांटे। कमांडेंट अमित कुमार के निर्देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। CRPF द्वारा समय समय पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों से संपर्क स्थापित कर उनसे संवाद बनाए रखने के उद्देश्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी मतकम डी में उक्त कार्यक्रम आयोजित था। इस मौके पर ग्रामीणों के बीच साड़ी, छाता, टीना शेड बांटे गए। वहीं किसानों को खेती बाड़ी के उद्देश्य से फलदार वृक्षों के बीज का भी वितरण किया गया। इसके अलावा युवाओं को खेल भावना से जोड़ने के उद्देश्य से खेल सामग्री जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सामग्री बांटे गए, जबकि स्कूली बच्चों के बीच कॉपी, कलम आदि का भी वितरण किया गया। मौके पर CRPF कमांडेंट अमित कुमार, अधिकारी प्रभा शंकर ठाकुर, झारखंड पुलिस के ASI रामकृष्णा चौधरी समेत CRPF के जवान एवं जिला पुलिस मौजूद रहे। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। आइए सर, उधर उधर चलिए। खाना खा लो। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।